नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसुलागंज में रमजान मुबारक को लेकर नसुलागंज के मुफ्ती सैयद उस्मान गनी प्रेसिडेंट जमीयत उलमा ने केकेआर न्यूज को एक विशेष चर्चा में रमजान मुबारक और जकात के बारे में बताया कि मदरसे में जो गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में अपनी खैरात जकात दे ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों की मदद हो सके, ताकि आपके जकात के पैसे से उनकी दीनी तालीम अच्छे से हो सके। नसुलागंज से चांदनिया की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मौलाना मुफ्ती सैयद उस्मान गनी, सदर जमीयत उलमा तहसीन नसुलागंज। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। अल्लाह पाक ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं उम्मत मुस्लिमा पर, लिहाजा आप तमाम हजरात रमज़ान के रोज़ों की कदर करें और तरावीह जो सुन्नत मुअक्कदा है उसका पूरी तौर पर अहतमाम करें। अल्लाह हमको और आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना मुफ्ती सैयद उस्मान गनी, सदर जमीयत उलमा तहसील नसुलागंज, ज़िला सीहोर। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक का महीना आता फरमाया है, चंद दिनों के अंदर आने वाला है। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात अपने अपने मालों की ज़कात भी निकालते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा भी रहा है, वाक़ीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज को क़ायम करो और ज़कात को अदा करो। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने मालों की ज़कात निकाल करके मदारिस इस्लामिया में पहुँचाएँ, या जो सुफरा हजरात आएँ उनको अपने माल की ज़कात दें, ताकि वो मदरसे में ले जा कर के जमा करेंगे। मदरसे में गरीब नादार तलबा पढ़ेंगे, कोई बईद नहीं कि यही हमारे और आपके लिए सबके लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।